जय सियाराम, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू कुटरना। हनुमान जी जन जन के देवता हैं, हर घर में विराजमान हैं, अति लोकप्रिय हैं। व्यक्ति जब संकटों में फंसता है और हनुमान जी की शरण में जाता है तो उसके संकटों का तुरंत निवारण हनुमान जी कर देते हैं, इसलिए वो इतने लोकप्रिय हैं। और जब कभी किसी के जीवन में संकट आता है तो एक भरोसा हनुमान जी को ही लेकर रहता है कि वो हैं तो इन संकटों का निवारण हो जाएगा, और होता भी है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में संकट है और उन संकटों के निवारण में वक्त लग रहा है। कई बार इसके पीछे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से समय लगता है, लेकिन ऐसे लोग भी अगर धैर्यपूर्वक श्री हनुमान जी की सेवा में लगे रहें, उनके चरणों को पकड़े रहें, थामे रहें, धैर्यपूर्वक डटे रहें, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि उनके संकटों का निवारण नहीं होगा। यानी ये अकाट्य सत्य है कि हनुमान जी की शरण में जो भी गया है उसके संकटों का निवारण होगा ही होगा, क्योंकि जैसा नाम है उसी के अनुसार गुण भी है। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है तो संकटों का मोचन वो अवश्य करेंगे, चरितार्थ जरूर अपने नाम को करते हैं श्री हनुमान जी। तो इसलिए अगर संकट की स्थिति है तो बस एकमेव हनुमान जी की शरण में बने रहने की आवश्यकता है और उन संकटों का निवारण तुरंत हो जाएगा। दीपावली और नरक चतुर्दशी, यह साधना का विशेष समय होता है, विशेष दिवस है। इस दिन अगर कोई पूजा पाठ, कोई साधना, कोई सत्कर्म हम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो उसका जो प्रतिफल है वो कई गुणा बढ़ करके मिलता है। अन्य दिनों में जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका फल तो मिलता ही है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष घड़ियाँ होती हैं, कुछ विशेष समय होता है, काल होता है, जिसमें ये फल कई गुणा हमें बढ़ करके मिलता है। उसमें से ही नरक चतुर्दशी है और दीपावली है। नरक चतुर्दशी जिस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, और मान्यता ये भी है, वाल्मीकि रामायण में इस बात की चर्चा भी है कि हनुमान जी का उस दिन जन्म हुआ था, वो इस धरा पर अवतरित हुए थे। इसका एक दूसरा भावार्थ ये भी संतजन लगाते हैं कि उस दिन चूँकि हनुमान जी का अभिनंदन किया गया था, जब बाल्यावस्था में हनुमान जी ने भगवान सूर्य को मधुर फल समझकर निगल लिया था, उसके बाद संसार में अंधकार छा गया था, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था, उसके बाद सभी देवता उपस्थित हुए थे और हनुमान जी का समवेत स्वर में एक साथ उनका गुणगान किया था, अभिनंदन किया था, और ये बता दिया था, अपनी सभी शक्तियाँ प्रदान कर दी थी सभी देवताओं ने श्री हनुमान जी को। तो अभिनंदन एक दूसरे अर्थ में संतों का मत है कि उस दिन एक नए हनुमान जी का अवतरण उस दिन हुआ इस घटना के बाद, इसलिए भी इस दिन का बड़ा विशेष महत्व है। तो इस दिन जो श्री हनुमान जी की पूजा आराधना जो भी व्यक्ति करता है उसके दुखों का तुरंत निवारण हो जाता है, और यह स्थिति दीपावली की भी है, क्योंकि दीपावली का संबंध सतयुग से भी है और त्रेता युग से भी है। दो युगों की कथाएँ समाहित है दीपावली में। सतयुग में कार्तिक अमावस्या के दिन ही महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था, उनका अवतरण हुआ था समुद्र मंथन के बाद, तो इसलिए महालक्ष्मी की पूजा आराधना होती है। और प्रभु राम उस दिन रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, तो इस खुशी में दीपोत्सव किया जाता है, दीप का उत्सव मनाया जाता है, दीपावली मनाई जाती है। इन दोनों दिवस का विशेष महत्व है, और जानकी जी के तो पुत्र ही हैं श्री हनुमान जी, इसलिए भी अगर उनके उस दिन आराधना की जाए तो माता जानकी ने जो आशीर्वाद दिया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस्वर दिन जानकी माता, अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियों के प्रदाता श्री हनुमान जी हैं, तो उस दिन अगर उनकी आराधना की जाए तो ये अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियाँ भी मनुष्य से दूर नहीं रह जाती, श्री हनुमान जी कृपा कर दें। तो आज कुछ एक विशेष मंत्र की हम बात करेंगे, और ये नरक चतुर्दशी और दीपावली इन दो दिनों में ही इसका जप करना है। हालांकि अगर कोई चाहे कि इसको हम आगे भी करें तो अवश्य इसको किया जा सकता है, लेकिन इन दो दिनों में चतुर्दशी के दिन और अमावस्या के दिन जरूर इसका जप करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन उस दिन हनुमान जी का तो विधिवत पूजन करना ही चाहिए, जो भी स्थान है जहाँ पे हनुमान जी विराजित हैं, जो हमारा मंदिर है घर का, साफ़ सफाई वहाँ पे कर लें, गंगा जल छिड़क करके वहाँ साफ़ सफाई कर लें, या फिर गौमूत्र या फिर नमक के पानी का ही पोछा लगा दें, लेकिन मतलब शुद्ध करके वहाँ पे जब हम पूजा करने
वहाँ पे बैठ जाएं। अगर हम सुबह पूजा कर रहे हों नरक चतुर्दशी के दिन, तो इस समय का ध्यान ये रखना चाहिए कि सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हम कर लें जिस मंत्र साधना की हम बात करने जा रहे हैं। और दीपावली के दिन आप करना चाह रहे हो तो ये सायंकाल में, यानी संध्या 6 बजे से लेकर के रात्रि के 11 बजे तक। अगर निशा पूजा के रूप में कोई करना चाहता है तो 12 बजे तक भी इसको किया जा सकता है। तो चतुर्दशी के दिन सुबह 4 से 7 और संध्या में 6 से 11, दीपावली के दिन संध्या में ही करें, इसका जप करें तो ज़्यादा अच्छा है। 23 माला जप करनी है, 23 माला बैठ करके जप करना है। और उसकी जो विधि है, अधिकांश लोग जो जप करते हैं, ध्यान जो हमारा जप का होना चाहिए, जिस इष्ट का हम जप कर रहे हैं उसके उनके नेत्रों की तरफ हमारी दृष्टि स्थिर रहनी चाहिए। पहले भी एक बार चर्चा हुई है कि जब हम ईश्वर का दर्शन करने मंदिर में जाएं या ईश्वर का विग्रह जब हमारे सामने हो, तो उस वक्त आंखें मूंदनी नहीं चाहिए, उस वक्त तो आंखें खुली रहनी चाहिए, एक टक उस सूरत को, उस मूरत को, उस विग्रह को निहारते रहें। और वहाँ से हटने के बाद आंखें मूंद ली जाती हैं और हृदय में उस विग्रह को, सूरत को बिठा लिया जाता है। तो जब भी किसी मंत्र का जप किया जाए तो श्री हनुमान जी के नेत्रों की तरफ देख करके, किसी भी देवी देवता के जब मंत्र के जब हम जप करते हैं तो एक टक वहाँ देखते हुए, नेत्रों की तरफ देखते हुए जप करना चाहिए। और बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए, रीढ़ एकदम सीधी रहनी चाहिए, सुखासन में बैठना चाहिए, बिल्कुल आराम मुद्रा में। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि बैठने में दिक्कत है तो फिर कुर्सी वगैरह पे भी, सुखासन, सुखासन का मतलब ही है कि जिसमें आपको आराम मिले, शांत चित्त होकर के जहाँ जप किया जा सके, तो ऐसा बैठना चाहिए। लाल आसन बिछा लेना चाहिए और लाल वस्त्र अगर है तो धारण कर ले, नहीं है तो लाल रुमाल, लाल कोई गमछा, कुछ भी हो लाल ऐसा जो अपने पास रख लें तो ये ज़्यादा अच्छा है। और श्री हनुमान जी का संबंध भगवान सूर्य से भी है, भगवान सूर्य गुरु हैं, इसलिए एक बातें ये देखी गई हैं कि जो भी हनुमान जी के साधक हैं, भक्त हैं, जिस पे हनुमान जी की कृपा है, उस व्यक्ति के अंदर 3 चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। पहला तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है, उसके अंदर हीन भावना खत्म हो जाती है, कल क्या होगा ये इन चिंताओं से वो मुक्त हो जाए, आत्मविश्वास से एक आशावादी बन जाता है, आशा उसके अंदर घर कर जाती है। ऐसी वैसी बातों को लेकर के वो चिंतित नहीं होता, परेशान नहीं होता, उसके भीतर इतनी एक आशा रहती है कि उस पूरी दुनिया को बदल देने की मादा एक क्षमता, आशावादिता उसके भीतर रहती है। भगवान सूर्य की तरह ही तेजस्विता उसके भीतर आ जाती है, उसके मुखमंडल की तरफ कोई अगर देखे तो एक तेज का, एक ओज का अनुभव होगा। तो जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उनके भीतर ये 3 चीज़ें निश्चित रूप से प्रकट हो जाती हैं, और इन 2 दिनों में इन मंत्रों का जो भी जप करेंगे उसके भीतर ये निश्चित तौर पे तेजस्विता, ओज और ये आत्मविश्वास निश्चित तौर पे भर जाएगा। जो लोग भी खुद को हीन समझते हैं, हीनता की ग्रंथि से ग्रसित हैं, उन्हें लगता है कि वो कमतर हैं, किसी से कम हैं, हनुमान जी जब किसी पर कृपा करते हैं तो वो बिल्कुल एक तरह से अद्वितीय बना देते हैं, उसके जैसा कोई नहीं, इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। और श्रीमद् भागवत में ये भगवान विष्णु का ही ये कथन है कि जो भी भक्त हमारा नाम लेते हुए जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, जिसके अश्रु, जो अश्रुपूरित जिसके नेत्र हो जाते हैं, जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मेरा नाम सुनते ही जो फूला नहीं समाता, जो खुशी से भर जाता है, उसके समान पवित्र इस धरती पे तो कुछ है ही नहीं, उसे तो किसी गंगा स्नान की भी आवश्यकता नहीं है। उस पवित्र व्यक्ति के दर्शन से दुनिया धन्य हो जाती है, उसके संभाषण से लोग मोहित हो जाते हैं और धन्य हो जाते हैं लोग ऐसे लोगों के दर्शन मात्र से। इसलिए बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा हैं, संत हैं, जिन पे हनुमान जी की कृपा है, उनके दर्शन मात्र से हमारे काम सफल होने लगते हैं। अगर वो कुछ कह दें, आशीर्वाद दे दें, हमारे प्रति उनके भीतर कोई अच्छा भाव आ जाए, उससे ही हमारे काम बन जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें उस व्यक्ति के अंदर भर जाती हैं। तो बताने की आवश्यकता नहीं, जब हम पूजन के लिए बैठे, भांति भांति से हनुमान जी का पूजन कर लें, गणेश जी का पूजन कर लें, राम नाम का कुछ देर जप कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, संकल्प ले लें कि हम किस हेतु, क्या हमारी मनोकामना है,
उस हेतु कुछ विशेष मनोकामना है तो हाथ में जल पुष्प चावल लेकर के, कौन सा साल है, कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है, ऐसा कहते हुए अपना नाम गोत्र कहते हुए आप छोड़ दें। और ये घबराने की आवश्यकता नहीं कि ये छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है, बस ध्यान रखें इतना हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बाद में क्षमा प्रार्थना ईश्वर से कर लें कि उनके पूजा में पूर्ण भला कौन हुआ है जो कह दे कि नहीं नहीं हम पूर्ण हैं। यह संभव है कि उस ईश्वर की पूर्णता के साथ हम भक्ति कर सकें, जितनी उस ईश्वर की प्रेरणा हमें मिलती है उतना ही कुछ हम कर पाते हैं, उतना ही कुछ हम कह पाते हैं। तो इस तरह से करने के बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए तो एक महामंत्र जो है श्री हनुमान जी का, और ये हनुमान जी का रुद्र मंत्र है, रुद्र मंत्र, उनके नेत्रों की तरफ देखते हुए, श्री हनुमान जी के नेत्रों की तरफ देखते हुए इस रुद्र मंत्र का आपको जप करना है। 23 माला रुद्राक्ष की माला से जप करना है, माला नहीं है उसकी भी चिंता छोड़ दीजिए, देख लीजिए थोड़ी घड़ी की कितना समय लगता है एक माला करने में, उसी अनुसार 23 माला है तो लगता है कि लगभग एक घंटे के भीतर ही ये सब हो जाएगा। मंत्र है ओम हं हनुमते रुद्रात्मकायम हुं फट, ये मंत्र है ओम हं हनुमते रुद्रात्मकायम हुं फट। एक बात जो आमतौर पर चूक हो जाती है, कई बार कुछ साधकों से जो बातचीत होती है साधु महात्माओं से, तो तीन चीज़ों पर विशेष जोड़ देते हैं वो, कि एक तो हम सुखासन में बैठ गए, रीढ़ सीधी रखा, सामने हमारे इष्ट हैं उनकी नेत्रों की तरफ देखा, और कई बार मंत्रों पे हमारा ध्यान नहीं होता, मंत्र के भावार्थ पर ध्यान नहीं होता कि मंत्र में कहा क्या जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं होता। अगर मंत्र के अर्थ पर ध्यान रख करके इस भांति अगर जप कर लिया जाए तो अति शीघ्र हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए हम इस मंत्र का अर्थ भी आपको बताते हैं, इस पर ध्यान रख करके ही जप किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये ओम, सबसे पहले जो ओम आ रहा है ये पवित्र मंत्र है, आमतौर पे मंत्र के पहले और आखिर में लगाया जाता है, इस ओंकार शक्ति में त्रिदेव समाहित हैं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं ओम में समाहित है, इसलिए ओम का जब हम उच्चारण करें तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो शक्तियां हैं इसमें विराजित हो जाती हैं, यानी सभी देवी देवताओं की एक तरह से जो पूजा है ओम से ही पूर्ण हो जाती है, समाहित है। ओम हंग, ये हंग है, ये हंग हनुमान जी का ही नाम है, ओम हंग, ये हंग हनुमान जी के संबोधन के लिए किया जाता है, हनुमते, हनुमते भी संबोधन किया जा रहा है, ओम हंग हनुमते, हनुमते मतलब है हे हनुमान जी कहा जा रहा है, ओम हंग हनुमते। रुद्रात्मकायम, रुद्रात्मकायम कहते हैं जो रुद्र के समान है, चूँकि हनुमान जी 11वें रुद्र हैं, स्वयं भगवान शिव हैं, इसलिए कहा जा रहा है रुद्रात्मकायम, आप रुद्र के समान हैं, भगवान शिव ही हैं आप। हुंग, फिर कहा जा रहा हुंग, ओम हंग हनुमते हुंग, ये बीज मंत्र है, हुंग का उच्चारण जो है ये बीज मंत्र है। फिर फट, ये जो आखिर में फट है ये भी बीज मंत्र है, और नकारात्मक शक्तियाँ इससे दूर होती हैं, जैसे ही हम फट कहते हैं जो भी निगेटिविटी है हमारे जो नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, अवरोधक हैं, जो विघ्न बाधाएं हैं, जो हमारे मार्ग में विघ्न बाधा खड़ी हो जाती है, हमारे कार्यों को रोकती है, हमें सफल बनाने से रोकती है, ईश्वर की आराधना से रोकती है, तमाम जो बुरी शक्तियां हैं वह तुरंत दूर भाग जाती हैं। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकायम हुं फट, जैसे ही हम कहते हैं वैसे ही ये तमाम नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। इसलिए जितनी बार भी हम मंत्र का जप करते हैं, 23 माला करना है वैसे, 23 माला उस दिन दिवाली के दिन भी और एक दिन पहले भी, तो इस मंत्र के अर्थ पर ध्यान देते हुए जब हम हाथ में माला ले लें और जैसे ही हम कहना शुरू करें ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकायम हुं फट, तो इसका जो पूरा भावार्थ है हमें चलते रहना चाहिए भीतर ही भीतर, और नयन हमारे जो हैं वो बिल्कुल हनुमान जी की तरफ एक टक उनको निहारते हुए ये करना चाहिए। तो इस मंत्र का बड़ा विशेष प्रभाव है, नकारात्मक शक्तियाँ तो दूर होती ही हैं, बाधा का नाश हो जाता है, जो तमाम तरह की बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं उन बाधाओं का नाश हो जाता है, और शक्ति साहस में वृद्धि होती है, जैसे कि हमने शुरू में भी कहा कि व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, एकाग्रता और ध्यान
पूजा पाठ में लोग कहते हैं मन नहीं लग रहा या फिर किसी भी कार्य में एकाग्र नहीं हो पा रहे, तो एकाग्रता ध्यान में भी वृद्धि हो जाती है और भक्ति और आध्यात्मिकता में भी हमारी वृद्धि होती है, हमारी ये भक्ति इससे बढ़ती है इस मंत्र का अगर उच्चारण किया जाए तो। तो दिवाली और दिवाली से एक दिन पहले विशेष तौर पे हनुमान जी का पूजन करके इस मंत्र का अगर हम जप करते हैं 23-23 माला दोनों दिन अगर कर लिया, उसके बाद हनुमान जी की आरती उतारी और फिर हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना की कि जिसका गुणगान नारद सारद आदि नहीं कर सकते, प्रभु राम जिन्हें हृदय से लगा लेते हैं जब शब्द चूक जाते हैं प्रभु राम के, श्री हनुमान जी की प्रशंसा करते करते, तो व्यक्ति का जब शब्द चूकता है तो सामने वाला जिससे प्रेम है उसको खींचकर अपने हृदय से लगा लेता है, गले से लगा लेता है, ऐसे श्री हनुमान जी का ध्यान धरते उनसे क्षमा प्रार्थना करें तो निश्चित तौर पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में जो हमें चाहिए, जो जिसका प्राप्य है, जो जिसे मिलना चाहिए वो सब मिलने लगता है। हनुमान जी बल्कि पात्र बना देते हैं, जिसको कहते हैं कि पहले आप डिज़र्व कीजिए तब डिज़ायर रखिए, वो डिज़र्विंग जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी आपकी हो जाती है, आप डिज़र्व करने लगते हैं, उसके बाद डिज़ायर जो है वो तो स्वयं पूरी हो जाती है। तो ऐसे हैं श्री हनुमान जी, पात्र बना देते हैं, आपको मांस देते हैं, आपको तैयार कर देते हैं और उसके बाद फिर सब दे डालते हैं। तो ये उसी की सब तैयारी है कि हम पात्र बन जाएं हनुमान जी की कृपा के, और उसके बाद तो भी अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियाँ, नौ जो नौ निधियाँ हैं हनुमान जी ने अपने पास रखने के लिए, ये जानकी माता ने उनको नहीं दिया है, ये देने के लिए दिया है। तो बस जैसे ही हम पात्र बनेंगे ये सब अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ दूर नहीं रह जाती मनुष्य के लिए, ऐसे परम दयालु हैं श्री हनुमान जी। जय सियाराम।